नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। तखतपुर में 50 गायों की मौत से हड़कंप। ग्राम पंचायत की बड़ी लापरवाही के चलते तखतपुर में 50 गायों की मौत से हड़कंप मच गया है। घटना मेड़पाल बाजार गांव की है। बताया जा रहा है यहाँ पुराने पंचायत भवन में करीब 100 गायों को एक साथ रखा गया था। भवन में एक साथ इतने सारे गायों को रखने के कारण दम घुटने से 50 गायों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गायों के लिए खाने पीने के साथ हवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इसके चलते गायों की मौत होना बताई जा रही है। बहरहाल इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मचा है। अब आला अफसर मौके पर पहुंचने लगे हैं। चरित्र शंका पर फावड़े से काट दिए पत्नी के हाथ पैर, इलाज के दौरान महिला की मौत। जिले के जयजयपुर के करवाडी गांव में एक सनसनीखेज वारदात में आरोपी ने चरित्र शंका पर फावड़े से अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहशी आरोपी ने फावड़े से पत्नी के हाथ पैर को अलग कर दिया था। महिला की मौत के बाद पुलिस से संबंधित अपराध में धाराएं बढ़ाई है। फावड़े से हाथ पैर अलग करने की इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में भय व्याप्त है। दर्दनाक सड़क हादसा, लोहे के सरिया और पेड़ के बीच फंसे ड्राइवर की मौत। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ग्राम खाले मुरवेंड के समीप देर रात लगभग 12 बजे एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर में लोड लोहे का सरिया सामने की ओर खिसक गया, जिसके चलते चालक का आधा शरीर पेड़ व ट्रेलर के बीच फंस गया, जिसके बाद लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। घायल ड्राइवर को उपचार हेतु 108 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केशकाल रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई। हाथी के हमले से किसान की मौत। पंडरी बहला गांव में शुक्रवार देर रात एक हाथी ने किसान को कुचल दिया। हाथी के हमले में किसान की मौत हो गई, वहीं किसान की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई। हाथी ने किसान के घर पर जमकर उत्पात मचाया। पंडरी बहला गांव में देर रात हाथी के हमले से किसान का घर टूट गया, वहीं खेत में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई। पुलिस महानिदेशक आरके विज कोरोना पॉजिटिव। आईजी दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है, अब इसकी चपेट में बड़े अफसर भी आ रहे हैं। इसी बीच दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज, उनकी पत्नी और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरके विज न्यू शांति नगर इलाके में रहते हैं और उनकी सरकारी बंगले के आसपास मंत्रियों का भी आवास है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नक्सल डीआईजी ओपी पॉल कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब एडीजी की पत्नी और बेटी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ में अब होटलों में भी करा सकेंगे कोरोना का इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों में दिए तैयारी के निर्देश। छत्तीसगढ़ के लोग अब होटलों में भी कोरोना का इलाज करा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के इलाज के लिए एक नई व्यवस्था की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले को इसके लिए तैयारी शुरू करने को कहा गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अगर निजी अस्पताल में जगह नहीं हुई तो उनका इलाज होटलों में भर्ती कर किया जा सकेगा। इस दौरान इलाज का सारा खर्च मरीजों को ही उठाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान होटलों को ICMR की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि ये व्यवस्था केवल बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए ही लागू होगी। देश में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 49,000 नए केस, अब तक 31,000 लोगों की मौत। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या अब 13 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 13,36,861 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 31,358 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,49,000 ठीक भी हुए हैं।
456,000 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,916 नए मामले सामने आए और 757 लोगों की मौतें हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म देख फैंस हुए इमोशनल। सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म को देख कर हर कोई इमोशनल हो गया। वहीं अब फैंस के रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं। दिल बेचारा रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर हैशटैग दिल बेचारा ट्रेंड कर रहा था। इसी हैशटैग के साथ फैंस अपने रिएक्शन दे रहे थे। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये जमशेदपुर की एक बंगाली फैमिली की कहानी से शुरू होती है। इस परिवार में एक लड़की है, कीजी बासु। कीजी को थायराइड कैंसर है और वो अपने साथ हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमती है। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर ऑफ मैनी होता है। मैनी एक दिल फेक और काफ़ी खुश मिजाज लड़का है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।